हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलबी साइको टेस्ट के बारे में। आप लोगों का चल रहा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का टाइप वन रो टेस्ट कॉलम टेस्ट और इसका ये क्लास फाइव है और क्लास फाइव में हम लोग एक्सरसाइज फाइव देखेंगे बीके सिंह का। ठीक है, बीके सिंह का जो बुक है इसका एक्सरसाइज फाइव देखेंगे। जो लोग भी टेस्ट परचेज किए हो सभी लोगों को आईडी पासवर्ड मिल गया होगा और 100 के बाद जो लोग आए हो आप सभी लोगों को 1 डे या 2 डे के बाद आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप लोग वेट करो और टेस्ट के डेमो के बारे में जिसे भी जानना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना। आप लोग वेबसाइट है unlimitededucation.in, वहाँ पर विजिट करके डिटेल्स देख सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव मतलब एक्सरसाइज फाइव बीके सिंह का और इसका क्वेश्चन नंबर वन। और आज हम लोग कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सबसे पहले सीखना है इसीलिए टाइम अभी आप लोग मत देखना, सीख जाओगे स्पीड अपने आप आ जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम थ्री। अब इसका मतलब आप लोगों को पता चल चुका है कि रो वन ये है और कॉलम थ्री ये है, तो ये मेरा क्रॉसिंग हुआ मेरा। ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम थ्री ट्रेवल क्लॉक वाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इससे पीछे जो मैंने बताया था अगर वो आप लोगों को याद होगा तो मैंने इस तरह से बताया था कि ध्यान से देखो और समझो, ये इस तरह से है आपका, ठीक है, ऐसे करके है और ऐसे करके है। और आपको मैंने बताया था ना कि ये आपको साइकिल दिख रहा है, ये आपको साइकिल दिख रहा है, तो इसी साइकिल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन ये साइकिल का कंसेप्ट था। यहाँ पे बीके सिंह का इस बुक में और इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया है। तो आप लोग क्या करना, आज के बाद से ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया साइकिल वाला इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ और जो अभी बता रहा हूँ वो आप लोग माइंड में सेट कर लो। एग्जाम अभी नहीं हुआ है, एग्जाम से पहले कोई भी अगर डाउट होता है तो उसका क्लियरिफिकेशन जरूरी है। अब वाला कॉन्सेप्ट ये है कि इस टेबल में आप कहीं पे भी हो, इस टेबल में आप कहीं पे भी हो, बात अगर क्लॉकवाइज का होगा तो हम लोग जहाँ हैं वहां से सीधे चले जाएंगे लास्ट तक, सीधे आ जाएंगे नीचे लास्ट तक, लेफ्ट चले जाएंगे लास्ट तक, ऊपर चले जाएंगे यहाँ तक और यहाँ चले जाएंगे, तो ये हम लोगों का क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। समझने का कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे हो वहां से हम लोगों को फिर से वहीं पे रिटर्न आना है, ठीक है। अब आप ये भी तो कह सकते हैं सर यहाँ से ऐसे चले जाएंगे फिर ऐसे आ जाएंगे फिर ऐसे आ जाएंगे, तो फिर ये रोटेशन नहीं हुआ। रोटेशन सेम टाइप का होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में। फिर से एक बार समझो, रोटेशन अच्छे से समझना है ताकि रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ हो आप ऐसे जाओगे, आप नीचे आओगे, आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, तो ये आपका हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। चलो फिर से मैं आपको एक दो बताता हूँ, ध्यान से समझना, 3-4 एग्जांपल देते हैं डायग्राम के साथ, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे हो आपके लिए क्लॉकवाइज क्या हुआ, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपको समझ में आ गया। और एंटी क्लॉकवाइज अगर रहता तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एरो कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे हो आपके लिए क्लॉकवाइज क्या हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये आपके लिए क्लॉकवाइज हुआ। अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोगों को वापस से यहीं पे आना है, क्लॉकवाइज जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को यहीं पे जाना है ना, तो यहाँ से फिर वापस रिटर्न होके आ जाएंगे, तो ये हम लोगों का हो गया क्लॉकवाइज, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मान के चलो कि अपन लोग यहाँ पे हैं और अपन लोगों को वापस यहीं पे आना है और क्लॉकवाइज में आना है, अपन लोग ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो ये हो गया हम लोगों का क्लॉकवाइज और आ गए,
तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखो, यहां से आप ये भी कर सकते हो कि सर ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, तो ये साइकिल नहीं हुआ, ये इसमें सिमेट्री सिटी नहीं है। सिमेट्री सिटी कोशिश करना सिमेट्री सिटी के साथ चलने का, और सिमेट्री सिटी आपका इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ठीक है, मतलब इधर जितना उतना ही इधर, इधर जितना उतना ही इधर, या चारों सेम। चलो, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी समझो कैसे करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम थ्री, रो वन और कॉलम थ्री यहाँ है, ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम लोगों को क्लॉकवाइज चलना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऐसे, यहाँ से जाएंगे ऐसे, यहाँ से जाएंगे ऐसे, यहाँ से जाएंगे ऐसे और यहाँ से जाएंगे ऐसे। तो ये हम लोग का हो गया क्लॉक वाइज और स्टार्टिंग पे हम लोग आ गए, ठीक है। अब यहाँ से एक कंफ्यूजन मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हो कि सर साइकिल जो ऐसे हुआ है, साइकिल ऐसे भी तो हो सकता था ना, सी पे थे और ऐसे जाते और ऐसे जाते, ऐसे जाके ऐसे आ जाते, तो आप ऐसे ही कह सकते हो। देखो ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे करोगे रेड वाला के हिसाब से, तो क्वेश्चन आप पढ़ो क्या है, यहाँ पे देखो थर्ड ई एंड थर्ड ई ऑफ द पाथ, यहां से आपने स्टार्ट किया थर्ड ई, फर्स्ट ई, सेकेंड ई, थर्ड ई मेरा है ही नहीं इस पाथ में, तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पाथ समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम थ्री, यहां से स्टार्ट किए क्लॉकवाइज, हम लोग वापस से स्टार्टिंग जगह पे जा रहे हैं। चलो हम लोग आ गए। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का क्वेश्चन है कि ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द लेटर विच इज इन द मिडिल ऑफ थर्ड ई एंड थर्ड ए ऑफ द पाथ। तो सबसे पहले थर्ड ई और थर्ड ए खोज लेते हैं। सी से स्टार्ट किए थे, फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए, तो ये मेरा थर्ड ए है, ये मेरा थर्ड ए है, और थर्ड ई कहाँ गया, चलो थर्ड ई, फर्स्ट ई, सेकेंड ई और थर्ड ई, तो ये मेरा थर्ड ई है, तो थर्ड ई और थर्ड ए, बॉक्स वाला देखो स्क्वायर वाला, इसके बीच में ये है ए, इसके बीच में ए है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डायगोनल, What is the third letter of the diagonal of the letter which is in the middle of third E and third A? Middle क्या है third E और third A के बीच में, ये इसका diagonal कौन है, तो इसका diagonal है ये। अब question क्या पूछा जा रहा है, What is the third letter of the diagonal? अब इस A से जो diagonal start हुआ, इस diagonal का third letter, तो इस diagonal का third letter, इस diagonal का first letter ये, second letter ये, third letter ये, तो हम लोगों का answer क्या हो जाएगा, D। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम लिया हूँ लेकिन समझाने के लिए, ओके, सिर्फ अगर बोल के निकल जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगा, अभी समझना है क्योंकि सीखना है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, विच लेटर हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द एडजेसेंट लेटर ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रो फोर एंड कॉलम फाइव। तो क्रॉसिंग, काफी लोगों का कमेंट था सर क्रॉसिंग समझ में नहीं आता है, तो अब आप लोगों को क्रॉसिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा एडजेसेंट लेटर का। तो सबसे पहले बताओ कि क्रॉसिंग ऑफ रो फोर और कॉलम फाइव कहाँ है, तो रो फोर और कॉलम फाइव, ये है मेरा क्रॉसिंग, ठीक है। अब देखो एडजेसेंट लेटर का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट लेटर का मतलब होता है नियर बाय, मतलब अगर यहाँ ए है और मैं लिख देता हूँ बी, बी सी डी ई एफ जी एच, तो इस ए का ये सारा एडजेसेंट लेटर हुआ। समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा हूं, इस ए का ये 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 सब एडजेसेंट लेटर हुआ। हर देखो यहाँ पे डिस्टेंस मत देखना कि ये नजदीक है और ये दूर है, अगर बी है और यहाँ जे है और यहाँ के है, तो बी का एडजेसेंट जे हुआ, के नहीं हुआ, ठीक है।
अगर बी है और जे यहाँ है, थोड़ा सा दूर है, और के यहाँ है और सी यहाँ है, और मैं बोलता हूँ कि बी का एडजेसेंट लेटर, तो बी का एडजेसेंट सी भी है और जे भी है, क्योंकि इसके बीच में कोई और नहीं है, तो अगल बगल वाला, ठीक है, जस्ट साइड में जो है, तो इस डी का साइड में कौन कौन है, ई है, ई है, सी है, ए है, बी है, और कोई नहीं है। यहाँ पे आपका दो दो चार एक पांच है, अगर ये बी रहता तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये होता एडजेसेंट। तो ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको कि ये जो आपका क्रॉसिंग है, इसका जितना भी एडजेसेंट लेटर है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, समझने का कोशिश करो। मुझे सिर्फ लेक्चर देके नहीं निकलना है, मैं चाहता हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो करने वालों का सिलेक्शन हो। यहाँ पे डी है, इसका एडजेसेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब इसका एडजेसेंट ए बी सी ई ई, ये पांच है। इस पांचों को देखो आप और बताओ कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। बी आपका एक बार है, ए आपका एक बार है, सी आपका एक बार है, ई आपका दो बार है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ई का है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ई का हुआ है, तो ई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफी लोग ये समझते होंगे कि ए है, सी है, ई है और बी है, इसको पूरे टेबल में देखना है कि किसका कितना फ्रीक्वेंसी है और उस हिसाब से आंसर करना है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस डी का एडजेसेंट लेटर को देखो और उस सारे लेटर में आपको चूज करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एडजेसेंट लेटर वाला समझ में आ गया, क्रॉसिंग वाला आपको ऑलरेडी पहले से आता था। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम वन, थोड़ा सा स्पीड करो, रो वन और कॉलम वन ये है, फ्रॉम अ शेप ऑफ लेटर जेड। अब देखो ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो आपका इस तरह का शेप दिख रहा है, मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये जेड हमको कैसे बनाना है, ये जेड हम लोगों को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, इसके अलावा कोई और जेड नहीं बनाना है। अब कहने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि सर यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी तो करके बना सकते हैं ना, तो ये आपकी मर्जी है, ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो रियल में हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना होता है। अगर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, तो इस पाथ में कौन सा लेटर है बताओ, कोई लेटर है क्या, नहीं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलना है। तो आपने ऐसा जेड बनाया तो सिंपल सा बात है कि आपका ये पाथ हो गया। अब क्या बोल रहा है, फॉर्म अ शेप ऑफ लेटर जेड एंड चूज द लेटर विच द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पाथ, अब एंड इट इज द एंडिंग लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, सी आपका एक बार दो बार आया है, तीन बार आया है बस, और ई देखो आपका एक दो तीन, तीन बार आया है, सी आपका तीन बार आया है, ई आपका तीन बार आया है, और देखो ए देख लेते हैं, एक दो तीन, ए भी आपका तीन बार आया है, बी देख लेते हैं, एक दो, दो बार आया है, बी आपका दो बार आया है, ए बी सी, डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं, एक और दो, डी आपका दो बार आया है, टोटल पांच, पांच दस और तीन तेरह होना चाहिए, तीन तीन छः, तीन और चार तेरह। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सी का भी तीन है, ई का भी थ्री है, ए का भी थ्री है, और इसी तीनों में से मेरा कोई आंसर है, इसीलिए आपको दे दिया गया है कि इट इज द एंडिंग लेटर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपके पास ए है, सी है और ई है, तीनों का फ्रीक्वेंसी थ्री 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 है, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लास्ट में ई आता है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर ई हो जाएगा, ई हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझाने के लिए इतना बताया, अगर आप इसको आसानी से सॉल्व करते तो चुपचाप इस पाथ को फॉलो करते और देख लेते, और मैंने इसका भी ट्रिक आपको बताया हुआ है,
मैंने इसका भी ट्रिक आपको बताया हुआ है कि एंडिंग लेटर है तो सिंपल सा है, अपने पास चार ऑप्शन रहता है, पांच ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी ई, और एंडिंग है तो हम लोग ई से स्टार्ट करते, सबसे पहले ई को चेक करते और ई को चेक कर लेते और देख लिए कि ई हम लोगों का थ्री टाइम्स है, उसके बाद हम लोग डी को देख लेते टू टाइम्स, कैंसिल ऐसे ही हो जाता, फिर सी को देख लेते थ्री टाइम्स, फिर बी को देखते, इस तरह से करते और आइडिया लग जाता कि तीन थ्री से ज्यादा जो है सो मेरा कोई नहीं है तो मेरा आंसर ई ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि ओमिट द लेटर ऑफ बोथ डायगोनल। अब ये भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने देखा है फेसबुक पे लोग कमेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं इस कंसेप्ट को लेकर के। आप देखो ये आपका डायगोनल है और ये आपका डायगोनल है, आपको क्या बोला जा रहा है कि इसको आपको खत्म कर देना है, इसके सभी लेटर को आपको खत्म कर देना है और आपके पास जो बचा, अब देखो आपके पास कौन कौन बचा, उसी को हम लोगों को काउंट करना है ट्रायंगुलर फॉर्म की तरह। अब देखो ये आपका एक ट्रायंगल बनाना, ये आपका एक ट्रायंगल बना, ये आपका एक ट्रायंगल बना और ये आपका एक ट्रायंगल बना, और क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है कि ओमिट द लेटर ऑफ बोथ डायगोनल्स एंड दस फोर ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड, है ना, चार ट्रायंगल आपका है, विच लेटर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल ट्रायंगल्स एंड इट इज द लास्ट लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर से वही कॉमन सेंस, फिर से वही कॉमन सेंस, ए बी सी डी ई, और हम लोगों को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता करना है और ई को चेक कर लेते हैं, ई को काउंट करो सिर्फ रेड वाला लाइन जो क्रॉस कर रहा है जिस लेटर को, उसको ई अगर आप काउंट करोगे तो ई मेरा तीन बार आया हुआ है, ई मेरा तीन बार आया हुआ है, तो ई मेरा आंसर होता अगर फ्रीक्वेंसी थ्री से ज्यादा किसी का ना हो तो, अगर मेरा डी का फ्रीक्वेंसी थ्री से ग्रेटर हो जाएगा तो हम लोगों का आंसर फिर डी हो जाएगा। तो अपन लोग अब डी को देखते हैं, डी देखो वन टू थ्री, डी आपका थ्री, अभी तक हम लोगों का आंसर ई है। चलो सी को देख लेते हैं, वन वन टू, सी आपका टू है तो अभी तक हम लोगों का आंसर ई है। बी को देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर, अब बताओ बी फोर है तो जब बी फोर आ चुका है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में तो ई वाला कंसेप्ट भी खत्म, ई और डी होगा ही नहीं बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा फोर आ चुका है, तो यहाँ पे आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ए को देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर, अब देखो ए फोर है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आंसर होना चाहिए ए और बी, क्योंकि इस दोनों का फ्रीक्वेंसी चार चार है। अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है कि लास्ट लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए और बी में लास्ट लेटर कौन है तो बी है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों बोलता हूं कि लास्ट लेटर अगर हो तो आंसर ई मत समझना, लास्ट लेटर का कंसेप्ट ये है कि अगर आपका कंडीशन के हिसाब से दो आंसर आ रहा है तो उसमें हम लोगों को लास्ट फाइंड आउट करना है, ए और बी आ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो इसमें लास्ट लेटर देखना है, अगर यहाँ पे लास्ट के जगह, अगर यहाँ पे लास्ट के जगह फर्स्ट कर देता तो अपन लोगों का आंसर ए हो जाता। समझ में आया हर एक बात, अगर नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करके सुनो, लेकिन समझना है। आज के लेक्चर में आप लोग काफी ज्यादा सीख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट है और इस लेक्चर को लेकर के काफी लोगों का कमेंट आ रहा था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, विच लेटर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द एडजेसेंट लेटर ऑफ द सेंटर लेटर ऑफ द टेबल। अब आप लोगों को पता चल चुका है सेंटर लेटर मेरा ये है, इसका नेबर आपका ये है, ये है, ये है, ये 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 और ये, सर्कल वाला सारा इसका नेबर लेटर हो गया, यानी कि एडजेसेंट लेटर हो गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, कॉमन सेंस लगाओ, देखो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन किसका हुआ है, बी का देखो वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स, तो बी मेरा थ्री टाइम्स है, ए मेरा टू टाइम्स है, सी मेरा टू टाइम्स है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये थ्री टाइम्स आया हुआ है तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर बी। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, व्हाट वुड बी द फोर्थ लेटर ऑफ रो फोर आफ्टर रिवर्सिंग द लेटर ऑफ रो टू एंड रो फोर एंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आफ्टर। समझने का कोशिश करो,
फोर्थ लेटर ऑफ रो 4 पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, पोजीशन का मतलब समझते हो क्या होता है। देखो अगर पोजीशन का बात कर रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पोजीशन को लेकर के, ये मेरा पोजीशन है, पोजीशन मतलब फोर्थ कॉलम का थर्ड नंबर, यानी फोर्थ कॉलम और रो 3 का एलिमेंट। तो अगर मैं इस पोजीशन को टारगेट करूं और उसके बाद कंडीशन लगा करके इस पोजीशन पे जो मेरा लेटर आएगा उसको डायरेक्ट आंसर कर दूं तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा क्या? नहीं रॉन्ग होगा। मैं क्या कर रहा हूं, इस पोजीशन पे टारगेट कर रहा हूं और फिर कंडीशन को लगा करके डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं। ये ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, काफी सिंपल बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, इससे आपका टाइम सेव होगा। What would be the fourth letter of row 4 पूछ रहा है ना, row 4 का fourth letter आपका ये है, यानी यहाँ पे कौन सा letter मेरा आएगा condition लगाने के बाद वही मेरा answer हो जाएगा। और condition क्या है, condition है कि आपको row 2 और row 4 को reverse भी करना है और mutually exchange भी करना है। देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, reverse भी करना है और mutually exchange भी करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब रो 4 को मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो इस पोजीशन पे मेरा ये आ जाएगा ना, और जब मैं रो 2 को रिवर्स कर रहा हूँ तो ये मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा ना, समझने का कोशिश करो, ये मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जो आ जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, इस ई को यहाँ लाए और उसके बाद इस ई को यहाँ लाए, एक्सचेंज कीजिए, मेरा राइट आंसर ई। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, बहुत सारा तरीका है। एक नया तरीका देखो, आपको रो 4 का फोर्थ एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं रिवर्स करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं रो 2 को रिवर्स करता हूँ तो ये रो 2 यहाँ चला आएगा, और उसके बाद जब मैं एक्सचेंज करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यही ई मेरा यहाँ पे डायरेक्ट आएगा और हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको रो 4 का फोर्थ एलिमेंट निकालना है और आपको बताया गया है कि रो 2 को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं और रिवर्स करने के बाद रो 4 से, तो जब रो 2 को एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये ई मेरा यहाँ आ गया और उसके बाद एक्सचेंज करके इसी को यहाँ पे ले आए। हम लोग ये नहीं देखे कि ये सी कहाँ गया, ये सी कहाँ गया, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हर केस में यही ई मेरा यहाँ पे आएगा। अगर आप इस सी को रिवर्स करोगे तो यहाँ आ जाएगा सी, और फिर एक्सचेंज करोगे तो ये सी आपका यहाँ चला जाएगा, हमेशा मेरा यही ई यहाँ आके फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग किस तरह से डायरेक्ट करेंगे और निकल जाएंगे। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको हर कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राइट डाउन लेटर ऑफ 4 डायगोनल ऑफ द टेबल इन रिवर्स ऑर्डर। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये 4 डायगोनल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, कौन सा 4 डायगोनल मेरा होता है? देखो आसानी से थोड़ा सा समझाता हूँ, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का डायगोनल, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का डायगोनल, ये 4 मेरा होता है। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट का डायगोनल, रो 1 का लास्ट एलिमेंट का डायगोनल, ये मेरा हो गया 2 डायगोनल। कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट का डायगोनल, कॉलम 1 का लास्ट एलिमेंट का डायगोनल, ये मेरा हो गया 2 डायगोनल। ब्लू वाला 2 और रेड वाला 2, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 डायगोनल मेरा होता है। तो ये आपको पता है। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक समझो, अगर मैं बोलता हूं कि ये 4 डायगोनल है, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल और 4 डायगोनल, इसको मैं रिवर्स कर भी देता हूं तो क्या मेरा ये मिडिल जो है लेटर, इस पे कोई चेंज होगा क्या? मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप इसको रिवर्स करो, आप इसको एक्सचेंज करो, हर एक डायगोनल को रिवर्स करो, ये सी यहां पे आ जाएगा, ये ई यहाँ पे आ जाएगा,
लेकिन ये मिडिल वाला पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप सोच सकते हो तो सोचो। आप बोलोगे नहीं, मिडिल वाला मेरा एज इट इज रह जाएगा। बस यही हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको फोर डायगोनल को रिवर्स ऑर्डर में करना है और द आंसर वुड बी द लेटर विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द लेटर विच इज द बॉटम लेटर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेटर ऑफ रो टू। क्या समझे? फर्स्ट लेटर ऑफ रो टू, फर्स्ट लेटर ऑफ रो टू ये है, इसका बॉटम लेटर ये है, इसका डायगोनल ये है और इसका मिडिल एलिमेंट ये है या थर्ड लेटर ये है। देखो, विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द लेटर विच इज द बॉटम लेटर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेटर ऑफ रो टू। रो टू का फर्स्ट लेटर ये है, इसका बॉटम लेटर ये है, इसका डायगोनल ये है और इस डायगोनल का थर्ड लेटर है ना, यहाँ थर्ड लेटर ये है और ये जो लेटर है डी, ये मेरा चारों डायगोनल का मिडिल लेटर है, तो इसको रिवर्स करने से या एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट वुड बी द लेटर जस्ट राइट टू ए इन रो 4 आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ कॉलम 2 एंड 4 बट नॉट ऑफ कॉलम 3 एंड 5। तो कॉलम 3 एंड 5 को छोड़ो, बोला जा रहा आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ लेटर ऑफ कॉलम 2 और कॉलम 4, कॉलम 2 ये है और कॉलम 4 ये है, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। स्टार्टिंग, व्हाट वुड बी द लेटर जस्ट राइट टू ए इन रो 4, रो 4 मेरा ये है। अब एक चीज आप लोग बताओ, रो 4 मेरा ये है और कॉलम 2 और कॉलम 4 को अगर रिवर्स भी करते हैं तो इस सी के जगह पे ये बी आ जाएगा मेरा और इस सी के जगह पे ये ई आ जाएगा मेरा, यही होगा ना, ये मेरा हट जाएगा। और इस रो का ए यहाँ है और इसका राइट में कौन सा एलिमेंट है ये आपको बताना है। व्हाट वुड बी द लेटर जस्ट राइट टू ए इन रो 4, रो 4 का ए, ए के जस्ट राइट में ये जगह और इस जगह पे क्या है? तो इस जगह पे है ये ई। क्यों? क्योंकि कॉलम 2 को अपन लोगों ने रिवर्स किया है। व्हाट वुड बी द लेटर जस्ट राइट टू ए इन रो 4 आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ लेटर ऑफ कॉलम 2 एंड 4। कॉलम 4 को रिवर्स करोगे तो इस पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 3 को करना नहीं है, कॉलम 5 को करना नहीं है, बट कॉलम 2 को करोगे तो इस पोजीशन पे फर्क पड़ेगा और नया एलिमेंट ई यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ई। फिर से समझो एक बार, काफी आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि रो 4 में ए के जस्ट राइट क्या है, रो 4 में ए के जस्ट राइट क्या है, इस प्लेस का बात हो रहा है और आपसे ये बोला जा रहा है कि 3 और 5 को कुछ नहीं करना है और 4 को रिवर्स करना है। तो 4 कॉलम को रिवर्स करोगे तो इसको रिवर्स करने से मेरा इस प्लेस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कॉलम 2 को रिवर्स करोगे तो इसको रिवर्स करने से आपका इस प्लेस पे कोई फर्क पड़ेगा? तो पड़ेगा, ये ई यहाँ आ जाएगा। तो मेरा राइट आंसर ए के जस्ट राइट सी होता, लेकिन रिवर्स करेंगे तो ये ई यहाँ आ जाएगा, तो मेरा राइट आंसर ई हो जाएगा और ये हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1, यहाँ से ट्रेवल एंटी क्लॉक वाइज, चूज मिडिल लेटर ऑफ थर्ड ए एंड सेकेंड ए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझो, क्लॉकवाइज का मतलब समझो, अगर क्लॉकवाइज रहता तो इधर भागते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, इधर आने का चांस है। इधर से हम लोग अगर इधर जाते तो क्लॉकवाइज हो जाता और इधर से अगर इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चूज मिडिल लेटर ऑफ थर्ड ए एंड सेकेंड ए, ये आपका सेकेंड ए है और ये फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट ए है, ये सेकेंड ए है और इस तरह से जाना है आपको, लास्ट तक जाना है, फिर आपको इस तरह से जाना है और फिर आपको इस तरह से आ जाना है। तो ये आपका थर्ड ए है, तो सेकेंड ए और थर्ड ए, ये ए और ये ए के बीच में कौन सा लेटर है? तो बीच में है ई, है ना। चलो, मूव डायगोनली थर्ड। देखो,
इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका कॉन्सेप्ट राइट है। बोलोगे कैसे, यहाँ पे आपका आया और यहाँ से आपको डायगोनली मूव करना है, तो यहाँ से डायगोनली मूव करना है, आप कॉर्नर पे हो तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि मैं सही जा रहा हूँ। तो मूव डायगोनली थर्ड है, तो ये डायगोनल जो आपका है, ये जो आपका डायगोनल है, इसका ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट, आपको मूव डायगोनली थर्ड आना है। आप आ गए यहाँ पे मूव डायगोनली थर्ड, ठीक है। चलो अब यहां से क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मूव अप। अगर मूव टॉप रहता तो आप डायरेक्ट टॉप चले जाते, लेकिन मूव अप है, मूव अप है तो जस्ट अप, जस्ट अबव। मूव डाउन रहेगा जस्ट डाउन, मूव बॉटम रहेगा तो सबसे नीचे, ये समझना पड़ेगा। टॉप बॉटम का मतलब होता है सबसे ऊपर सबसे नीचे, और अबव का मतलब जस्ट अबव, और बिलो का मतलब जस्ट बिलो। तो क्या है मूव अप, तो मूव अप हम लोग ए पे आ गए। मूव राइट सेकेंड, राइट फर्स्ट, राइट सेकेंड, तो यहाँ पे आ गए। व्हाट इज द लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर क्या है, सी, तो सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम वन, ये है, यहाँ से हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे करके हम लोग चले, ऐसे करके चले, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलो उसके बाद बोला गया कि सेकेंड ए और थर्ड ए, तो ये आपका फर्स्ट ए है, ये आपका सेकेंड ए है, और ये आपका थर्ड ए है। तो इस सेकेंड ए और थर्ड ए के बीच में सेलेक्ट करना है, तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया ई, ई को सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, डायगोनली थर्ड जाना है, तो इस डायगोनल में, इस डायगोनल में ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट, हम लोगों को थर्ड जाना है। थर्ड आ गए यहाँ पे, मूव अप, मूव अप, टॉप नहीं अप, यहाँ पे मूव राइट सेकेंड, राइट फर्स्ट, राइट सेकेंड, यहाँ पे ये मेरा आंसर है। तो ये मेरा आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मूव बॉटम ऑफ कॉलम वन, यहाँ पे आ गए कॉलम वन का बॉटम, देखो बॉटम है, बिलो नहीं है, तो यहाँ मूव राइट टू कॉलम टू, यहाँ आ गए। मूव टॉप, टॉप है, अबव नहीं है, टॉप, यहाँ आ गए। मूव राइट टू कॉलम थ्री, यहाँ आ गए, बॉटम है, नीचे चले गए। एंड दस ट्रेवल अप टू बॉटम ऑफ कॉलम फाइव, यहाँ तक आना है, कैसे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ऐसे जाएंगे, ये आपका पाथ हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, विच लेटर हैज द फर्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी इन द पाथ। चलो स्टार्ट करते हैं, सी को देख लेते हैं, सी वन टू थ्री, सी मेरा यहाँ आ गया है, यहाँ तक थ्री टाइम्स सी आया। डी को देखते हैं, वन टू क्रॉस कर गया, इस जगह को क्रॉस कर गया, तो ये तो होगा ही नहीं। ई को देखते हैं, वन टू थ्री, ई मेरा यहाँ तक आ गया तीन बार। ए को देखते हैं, वन टू थ्री, ए यहाँ चला गया है, तो सबसे पहले मेरा ई आ गया, तो ई मेरा थ्री टाइम्स सबसे पहले आया है, तो मेरा आंसर ई हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन, बीके सिंह का एक्सरसाइज 5, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा आपको। तो बस कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया, और वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, और मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।